सब्सक्राइब कीजिए टेक बाइट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम अपने पेनड्राइव की बोरिंग आइकन को अपनी इमेज के साथ रिप्लेस करना सीखेंगे, तो है ना कमाल की ट्रिक्स। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही खास वीडियो है, जिसमें कि हम अपने पेनड्राइव के आइकन को अपनी इमेज के साथ रिप्लेस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक बाइट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपने माई कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे इस टाइम USB प्रेस का जो आइकन है वो एक सिंपल सा एक बोरिंग सा आइकन है, जैसे कि D और C का है। तो मैं इस आइकन को अपनी इमेज के साथ रिप्लेस करूँगा। तो इसके लिए मुझे इमेज चाहिए होगी। तो मेरी जो इमेज है यहाँ पे डेस्कटॉप आप देख सकते हैं, नयन नाम की पड़ी है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो .jpeg है। तो सबसे पहले मुझे इस आइकन, इस फाइल की जो एक्सटेंशन है उसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए मैं इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको सेव एस पे जाना है और यहाँ से BMP पिक्चर को चूज करना है। BMP चूज करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, और इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ XYZ, और इसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्टैम्प जो मेरी फाइल है XYZ.BMP हो चुकी है। तो मुझे इस फाइल के भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। इसके बाद हमें नोटपैड पे आके कुछ एक छोटी सी दो लाइन की स्क्रिप्ट टाइप करनी है। उसके लिए मुझे नोटपैड पे आना है। नोटपैड पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाने हैं। ये ब्रैकेट लगाने के बाद आपको इसके अंदर ऑटो रन टाइप करना है। ऑटो रन टाइप करने के बाद आपको नीचे लाइन में आने के बाद आपको यहाँ से आइकन स्पेस इक्वल टू स्पेस आपका फाइल का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है विद एक्सटेंशन के साथ। तो मेरी फाइल का नाम है XYZ.BMP। इसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। मैं इस फाइल को भी डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से फाइल का नाम जो देना है आपको देना है ऑटो रन। ध्यान रहे फाइल का नाम एकदम करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। तो फाइल का नाम ऑटो रन .inf टाइप करना है, और सेव एस टाइप के अंदर जाके आपको यहाँ से ऑल फाइल चूज करना है, और उसके बाद फाइल को सेव करना है। अब देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल है वो autorun.inf रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फाइलों को यहाँ से कट करके अपने पेन ड्राइव में पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से कट करके मैं माय कंप्यूटर में चलता हूँ, और यहाँ पे मैं ये आने के बाद पेन ड्राइव के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद मैं अभी आपको अपने पेन ड्राइव के आइकन को चेक कराता हूँ दोबारा। तो देखिए अभी भी हमारा पेन ड्राइव का जो आइकन है वो चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे इसके लिए क्या करना है कि अपने पेन ड्राइव को एक बार निकाल के दोबारा से PC के साथ कनेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी जो पेन ड्राइव की जो बोरिंग से आइकन है वो एकदम चेंज हो चुकी है मेरी इमेज के साथ। तो इस पेन ड्राइव को आप जहाँ भी लगाएंगे, जिस किसी PC में लगाएंगे, तो वहाँ पे बोरिंग आइकन की जगह आपको अपनी इमेज शो करेगी। लेकिन अभी जब मैं अगर इस फोल्डर फाइल के अंदर आता हूँ पेन ड्राइव के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी दोनों फाइलें मैंने बनाई थी वो यहाँ पे शो कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फाइलों को हाइड कर देता हूँ। तो हाइड करने के लिए आप दोनों फाइलों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पे आएं, और यहाँ से हिडन पे क्लिक करें, उसके बाद अप्लाई और ओके पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी फाइल जो है पूरी तरीके से हाइड नहीं हुई है। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे इसके लिए रन पे जाना है, और यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल, यानी कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप विंडोज 7 के यूजर्स हैं तो आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा फोल्डर ऑप्शन। तो आप फोल्डर ऑप्शन पे जाने के बाद ये ऑप्शन ये चीजें कर सकते हैं, जो चीज मैं यहाँ पे करूंगा। तो फाइल एक्सप्लोर पे आने के बाद आप व्यू पे जाएंगे,
और यहाँ पे डू नॉट शो पे क्लिक करके अप्लाई ओके करेंगे। तो यहाँ से क्लोज करते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो हमने दोनों फाइलें बनाई थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी हैं। अब मैं आपको पेन ड्राइव का आइकन दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार। देखिए, तो इस तरीके से हम अपने पेन ड्राइव के बोरिंग से आइकन को अपनी इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और आप अगर मेरी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।